पर्यटन नगरी मसूरी नए साल के जश्न के लिए तैयार है और यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक नए साल का जश्न मनाने के लिए आते हैं। इसी को लेकर आज SSP अजय सिंह ने यातायात व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को हुड़दंगियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए और पूरी रात पुलिस गश्त और यहाँ आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए हर संभव सहायता करने की निर्देश भी जारी किए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए SSP अजय सिंह ने कहा कि मसूरी में देश विदेश के पर्यटक नए साल का जश्न मनाने आते हैं। किसी भी पर्यटक को परेशानी ना हो, इसके लिए यदि कोई रात भर भी अपने प्रतिष्ठान खोलना चाहते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है और कई स्थानों पर बैरिकेटिंग भी कर दी गई है। साथ ही अधिक भीड़ होने पर यातायात रूट को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन नगरी मसूरी में नए साल को लेकर पूर्व तैयारी हो चुकी है और अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही हुड़दंगियों से निपटने के लिए आदेश दिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि यहाँ की व्यवस्था के लिए CO मसूरी तैनात रहेंगे। देखिए, नया साल जो है डेस्टिनेशन मसूरी में जो है फेमस है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं, सैलानी आते हैं और आसपास धनौल्टी और जो एरिया बन गया डेवलप हुए वहाँ भी जाते हैं। देखा गया कि क्योंकि सैटरडे संडे था, कल भी काफ़ी सारे सैलानी आए और आज भी लगातार आवागमन जारी है। मुझे लगता है जो हमारी व्यवस्थाएँ यही है कि सैलानियों को दिक्कत ना हो, या मेन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है यातायात को लेकर आती है, उससे कहीं अव्यवस्था ना हो। और जगह जगह ड्यूटी पॉइंट इसलिए लगाए गए उनकी मदद करने के लिए, बताया गया किसी को कहीं अन्य जगह जाना है तो उसको गाइड भी कर दिया जाए जिससे कि वो परेशान ना हो। साथ ही साथ सुरक्षा भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि महिलाएँ बच्चे हर तरह के लोग आते हैं परिवार के साथ, उनके साथ कहीं कोई दुर्व्यवहार ना हो, कोई आपराधिक कोई घटना ना कर पाए, इसलिए हर जगह जगह हमने पिकेट्स भी लगाए हैं, बैरियर्स भी लगाए हैं कि कहीं कोई ऐसी बात आती है तो कम से कम उसको चेक करके तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जा सके। पूरी रात भी गश्त रहेगी पुलिस 100%। जिस तरह अभी सरकार का भी है कि देर रात्रि या पूरी रात्रि भर अगर कोई रेस्टोरेंट होटल खोलना चाहे, कोई सैलानी को दिक्कत ना हो खाने पीने की, उसके लिए ही हमने 24 घंटे इसकी ड्यूटी लगाई गई जो अभी शुरू हो गई है, जो कल पूरी अभी आज रात्रि तक और कल प्रातः तक रहेगी, शिफ्ट वाइज रहेगी, जिससे कि किसी को कहीं कोई दिक्कत रात्रि में अगर वो जाना चाह रहा है किसी होटल रेस्टोरेंट बार में तो जाए आराम से, लेकिन उसको कोई समस्या ना हो। एक अफवाह मसूर में चल रही है, बेसिकली ये बात आई थी और इसीलिए मैं विजिट पर भी निकला था। 100% कहीं भी कोई ट्रैफिक कोई इस तरह का कोई डाइवर्जन नहीं है, क्योंकि यात्री जितने भी आ रहे हैं उनसे भी पूछ लिया गया है और स्पष्ट निर्देश है पहले से ही है कि कोई भी टूरिस्ट को कहीं भी ऐसी जगह पर रोका नहीं जाएगा चाहे वो कोई डेस्टिनेशन फुल होता है। हाँ, उनको उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी जाए जिससे वो परेशान ना हो और अपने गंतव्य पर घूम कर लौटे, और इस चीज़ को 100% इंश्योर भी किया जा रहा है। मात्र ये अफवाह थी कि ऐसा कोई है, क्योंकि इसको व्यक्तिगत रूप से मेरे द्वारा वेरीफाई भी कर लिया गया। सर, दूसरा एक सवाल होता है कि रात में जब 21 का जश्न होता है 12 बजे के आसपास ही होता है, उस समय पुलिस कम दिखाई देती गश्त में, इस बार इंश्योर किया जाएगा रात में पूरा गश्त रहेगा यहाँ पे? इसीलिए मैंने कहा कि जिस तरह से अभी 24 आवर्स होटल रेस्टोरेंट ढाबे सभी खुलने के आदेश हुए हैं, उसी की व्यवस्था के लिए इसमें शिफ्ट वाइज ड्यूटी इसलिए लगाई गई है कि एक ड्यूटी जो लगेगी वो दिन से रात्रि तक और रात्रि से मतलब देर रात्रि से प्रातः तक लगेगी, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अश्योर करना चाहता हूँ सभी सैलानियों से और सभी मसूरी वासियों से, कहीं भी पुलिस की व्यवस्था में कहीं कोई त्रुटि नहीं होगी और तत्काल ऐसी कोई बात अगर कहीं पर आती है तो उसको भी अटेंड करने के लिए हमारे ऑफिसर को यहाँ पर CO लेवल के ऑफिसर को यहीं पर स्टेशन करने को बताया गया है।